बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं सब खैर सो ठीक ठाक हूँ। आज इतने दिन बाद व्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यार वैसे तो ना टाइम नहीं मिल रहा मुझे, बिल्कुल भी काम से फुर्सत नहीं होती, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आता। पर आज मेरे थोड़ा सा टाइम मिला और मैं जल्दी से थोड़ा सा फ्री हो गया। तकरीबन 3:30 से 4 बजे का टाइम है और मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री हूँ। क्यों ना मैंने सोचा एक आज व्लॉग बना लें। हमने एक अलमारी तैयार की है, एक ये और एक दूसरे रूम है, तो सोचा इस पर ही एक छोटा सा व्लॉग बना लें। अगर आप हमें ऑर्डर देना चाहते हैं कराची में तो कहीं भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने काम का ऑर्डर हमें दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिलहाल चलते हैं अपने वर्क की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा काम पसंद आए। तो ये गाइस सामने का व्यू है, बिल्कुल ये है जो शीशा जिसने लगा हुआ, ये हमने बनाया ड्रेसिंग का। नीचे ड्रॉस, उसके बाद एक छोटा सा पल्ला और ऊपर 3 ड्रॉर, और ये पूरा हमने फोल्डिंग बनाया। नीचे देखें ऐसे इसके पाए लगे हुए हैं, इसके पीछे भी ऐसे इसके पाए लगे हुए हैं, तो ये हम कहीं भी खोल के लगा भी सकते हैं। वैसे जो है इसकी सेटिंग पूरी ऐसी है कि जैसे कोई फिट की हुई हो, लेकिन आप इसको जो है पूरा खोल के और दोबारा किसी और जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये इस तरह से बनाई गई है, ठीक है। तो ये है ये अंदर का हिस्सा है, ये शेल्फ टाइप का है, और ये मिरर और ये सामने ऑप्शन, ठीक है। और ये ड्रॉस और ये नीचे पल्ला, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और ये जो है ना ये हैंगर आप देख सकते हैं। तो ये है अलमारी, एक और भी है, मैं वो भी आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसा कि आपने अलमारी वगैरह देखी तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई हो। तो अगर आप हमें अपना ऑर्डर देना चाहते हैं कराची में तो कहीं भी आप देख सकते हैं। और साथ में हमने लगाई है एक छोटी सी LED का छोटा सा सिंपल सा एक वो, यहाँ पर हम LED अपनी लगा सकते हैं सुकून से। और यहाँ पर हमने बनाया है ये देखिए एक खूबसूरत LED डोर, बहुत ही बेहतरीन। नीचे सामने तो चार दो तो पल्ले ये दे दिए हैं, बीच में एक जो है ना हमने इसे शो के लिए बनाया, बाकी जो है यहाँ सामने जो है पीस पे पूरी पीस पे LED लगेगी, ठीक है। और इसके पीछे चलेगी लाइट, इसके पीछे जो है ना यहाँ पीछे चलेगी लाइट पूरी, जो मुझे नाम नहीं आ रहा वाला खैर। और ये हमारे हाफिज़ साहब है माशाल्लाह, ये है हाफिज़ हिफ्ज़ुल कुरान माशाल्लाह बन रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में ये बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना दूसरी हमारी ये, और ये देखिए बंदे जो है ना थक के जो ना लेट पड़े हैं और ये भी बिल्कुल वैसे ही है सेम, लेकिन इसका सिर्फ कलर डिफरेंट है, वो तो कुछ और कलर में था, ये थोड़ा सा ऑफ एंड में है माशाल्लाह। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है और वो भी खूबसूरत लग रही है। मल भी खड़ा दूँ अलमारी। तो उम्मीद है गाइस आपको आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था ये, आप लोगों को पसंद आया हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छे नए वर्क तक, और हमें दी इजाज़त। हाफिज़ साहब इतने खुशी की खुशी के मारे पता नहीं कहाँ कहाँ ये बैठना चाह रहे हैं। हाँ भाई तो मिलते हैं एक अच्छे लाइव ब्लॉग तक, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन भाइयों के लिए दुआ करिएगा जल्दी इनकी थकन खत्म हो जाए। अल्लाह हाफिज़।